अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वैनिटी टूर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं मेरी वैनिटी के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ अपना वैनिटी टूर। और वैनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें यूज़ की और बहुत बेसिक सी। और वैनिटी के शीशे के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है मेरा बेड और मेरा बेडरूम नज़र आ रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ मैं अपना बेडरूम टूर भी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैनिटी के अंदर सबसे ऊपर जो है वो रखा हुआ है, यहाँ पर हमने अपने कॉम्स रखे हुए हैं और सारे मेकअप के ब्रशेस जितने भी हैं वो सारे ब्रशेस रखे हुए हैं। और इसी के साथ जो है रखा हुआ है टिशू बॉक्स। और ये तीन चीज़ें जो है वो बड़ी बेसिक सी हैं, जो कि सबसे टॉप पे वैनिटी के रखी हुई हैं। इसके बाद जो है इसके एग्जैक्टली नीचे तीन ड्रॉज बनी हुई हैं, तीन ड्रॉ हैं। तो सबसे टॉप वाली को मैं ओपन करती हूँ। सबसे टॉप वाले के अंदर मौजूद है मेरा सारा मेकअप। मेकअप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है। और ये लिमिटेड क्वांटिटी भी मैं कोई इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही लिमिटेड सा मैं मेकअप अपना बेसिक सा यूज़ करती हूँ। और ये मेरा टोटल सारा का सारा मेकअप है, बहुत ज़्यादा मेरे पास मेकअप नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेकअप में मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पर है मेरे पास ये एक पैलेट है, आई शेडो पैलेट, और बहुत ही अच्छा ये आई शेडो पैलेट है। इससे आप अपने क्रीज वगैरह बनाएं और कॉर्नर्स वगैरह बनाएं तो बड़े अच्छे से बन जाते हैं, बहुत अच्छा ये पैलेट है। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको मखमली एंड मैट आई शेडो पैलेट है ये। इसमें आपको ग्लिटर शेड्स भी मिल जाते हैं और मैट शेड्स भी मिल जाते हैं। ओपन कर लिया है मैंने इसको, अब मैं आपको उसको दिखाती हूँ अंदर से इसकी शेड्स कैसे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आपको कलर्स मिल जाते हैं, ये सारे इसके अंदर कलर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके शेड्स हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको यूज़ करें तो बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाता है। इसी के साथ मेरे पास ग्लैमरस का ही एक और आई शेडो पैलेट है, ये मेरे पास ग्लिटर पैलेट है और इसमें 15 शेड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और ये आप जो है वो आई शेडो के ऊपर थोड़ा सा आजकल ग्लिटरी सा चल रहा होता है, तो आप ये वाला यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादातर मेकअप की जो कलेक्शन है वो ग्लैमरस की है, क्योंकि इनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से इसके शेड्स कैसे हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके भी शेड्स हैं। इस तरह की कुछ इसके अंदर से पैकेजिंग है। और अब मैं आपको इसके शेड्स दिखाती हूँ। ये इसके जो है वो आई शेड्स हैं, बहुत अच्छा इसका भी कलर्स भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छा इसका पैलेट है ये। थोड़ा सा ये जो है वो ख़राब सा हो गया है, बिकॉज़ मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ मेकअप, बहुत ही कोई स्पेशल ओकेजन में जाना हो तो तभी मेकअप मेरा यूज़ हो पाता है। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये सारे अपने ब्लश ऑन, और इसमें 6 कलर्स हैं। ये मेरा सबसे बेस्ट है, तो मेरे बेसिक मेकअप में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट कलर्स हैं इसके, और सारे के सारे ही बहुत अच्छे कलर्स हैं इसके। तो ये बहुत अच्छा ब्लश ऑन पैलेट है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर है ये कंटोरिंग शेड्स, इसमें भी 6 कलर्स हैं। और ये जो पैलेट है इसके 6 कलर्स में से आई थिंक 2 या
तीन ही आपके यूज़ में आएंगे, बाकी सारे एक्स्ट्रा ही हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही वाला पैलेट है और बहुत अच्छी इससे कंट्रोलिंग हो जाती है। साथ में मेरे पास एक और ब्लश ऑन है, ब्लश ऑन का पैलेट है, इसमें तीन शेड्स हैं, ये मेरे पास है फाइनल टच का, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा लुक आता है इसको यूज़ करने के बाद। इसके अलावा मेरे पास एक और पैलेट है, ये कंट्रोलिंग पैलेट है हुदा ब्यूटी का, इसमें भी आपको सिक्स कलर्स मिल जाएंगे और ये सारे जो है इसके दो कलर ज़रा ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये दोनों कलर से ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बट बाकी सारे अगर चाहें तो हम लोग एज अ आई शेड्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा पैलेट है। सारी चीज़ें साथ में रख भी देते हैं ताकि मैस क्रिएट ना हो। और इसी के साथ मौजूद है मेरे पास यहाँ पे फेस पाउडर्स, कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर सबसे टॉप पे और मेरा सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो है वो ग्लैमरस फेस का है ये, और बहुत अच्छा है ये फेस पाउडर, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ये, हाईली रिकमेंडेड है ये। अगर आपको अच्छा फेस पाउडर चाहिए तो आप ये वाला जो है वो ज़रूर बाय करें, ग्लैमरस फेस का है ये, बहुत अच्छा है ये वाला फेस पाउडर। इसी के साथ मौजूद है मेरे पास यहाँ पे एक और फेस पाउडर, ये है कैटी ब्यूटी का और ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं आपको ज़रा ओपन करके दिखाती हूँ अंदर से कैसा है इस वाले को। ये वाला कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें डबल आपको मिल जाता है, ऊपर आपको मिल जाता है शिमरी और नीचे इसके मौजूद है फेस पाउडर, तो आपको इसमें डबल मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक और ये फेस पाउडर है और ये इसका नाम क्या था ये मुझे नहीं याद है, इसका नाम भी पूरा मिट चुका है, काफ़ी हद तक मिट चुका है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा फेस पाउडर है। एक फेस पाउडर ये रखा हुआ है और ये भी डबल है, ऊपर ग्लिटर है और शिमरी सा और नीचे जो है वो इसके फेस पाउडर। ये मेरे पास बीबी का एक और फेस पाउडर है, ये भी डबल ही है एक्चुअली और ये भी बहुत अच्छा है, इसी के साथ यहाँ मेरे पास है ये ग्लैमरस का हाइलाइटर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आजकल मेकअप में कुछ भी ना हो बट हाइलाइटर तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, जिससे एक अजीब सा एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो आ जाता है फेस पे, तो हाइलाइटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ मेरे पास मेबलिन का ये ड्रीम वंडर का पाउडर है और इसको आप कह सकते हैं कि ये एक पाउडर बेस भी है, ओपन नहीं हो रहा है ये, बट ये बहुत अच्छा है ये, इससे आप अपने डार्क सर्कल्स और एक्नीस के जो निशान वगैरह होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं छुपाने के लिए, डार्क सा शेड है क्योंकि ये। इसके अलावा मेरे पास मिसरोज़ का कंसीलर जो कि बहुत बेस्ट है और एक्वा की मेरे पास यहाँ पे आईलाइनर है और साथ में हुदा ब्यूटी का आईलाइनर है और सिल्की का मेरे पास यहाँ पर मौजूद है प्राइमर और ये है बेबी स्किन का प्राइमर जो कि बहुत बेस्ट है और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ और इसका रिज़ल्ट 100% है। ये मेरे पास एक और हाइलाइटर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा आप इसको लगाएं और बहुत अच्छा सा ग्लिटरी सा लुक आ जाता है, बहुत ग्लॉलेस सा इसका लुक है। और एक मेरे पास शिमर है ये हाइलाइटर, सिल्वर कलर में है ये भी अच्छा है बट ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और ये हमारी मोस्ट बेसिक पॉइंट्स की क्रीम है
साथ में हुदा ब्यूटी के मेरे पास यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, और ये मेरे पास काजल है, बहुत अच्छा काजल है ये भी। और इसी के साथ है मेरे पास मस्कारास, ये मेरे पास बिग वॉल्यूम मस्कारा है ग्लैमरस का, ग्लैमरस फेस का है ये, बहुत अच्छा है। साथ में दो तीन मस्कारास और रखे हुए हैं, एक मेरे पास मैक का है, और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास लिप ग्लॉस हैं, ये मैट लिप ग्लॉस हैं, लिपस्टिक्स कह लें आप इसको, मैट लिपस्टिक्स हैं, हुदा ब्यूटी की भी हैं, मॉर्फी की भी हैं, और एवॉन की नील पेंट्स वगैरह हैं, और बिल्कुल भी मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। इसी के साथ ये मेरे पास मौजूद है 24K का जो है वो गोल्डन सीरम, और ये अच्छा सीरम है, यूज़ करती हूँ मैं, आप इसको यूज़ करें, आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ग्लैमरस फेस का मेरे पास ये है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है ये, बहुत ज़बरदस्त है, इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त ये है और बहुत अच्छा है, अगर आपको बाय करना हो तो आप ये बाय कर सकते हैं। और ये मेरे पास दो तीन कंसीलर्स रखे हुए हैं, और साथ में सारी लिपस्टिक्स हैं बहुत अच्छे अच्छे कलर्स की, तो जो कि मोस्टली यूजेबल होती हैं। और ये मेरा सारा मेकअप है टोटल, ऑल टू ऑल, बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास मेकअप नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर सेकेंड वाली ड्रॉ में, इसमें मेरे सारे बैग्स रखे हुए हैं, और बैग्स को मैं यूज़ करने के बाद वापस इनके शॉपर्स के अंदर रख के और उसके बाद उसको रखती हूँ बहुत ही एहतियात के साथ, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं और बहुत सारे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपको ओपन करके दिखाऊँ अपनी बैग कलेक्शन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। और इसके जो नीचे वाली ड्रॉ है इसके अंदर मौजूद है मेरे सारे क्लचेस, और इसमें सारे मेरे डिफरेंट डिफरेंट क्लचेस हैं जो कि बहुत मेरे फेवरेट्स हैं, तो अगर मैं बनाऊंगी आपने कमेंट्स मुझे किए और रिक्वेस्ट ज़्यादा आप लोगों की आती है, तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें सारे बैग्स और क्लचेस वगैरह दिखाऊंगी। तीनों ड्रॉज ओपन करके मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब आ जाते हैं इसके बराबर में एक और ड्रॉ है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें मौजूद है मेरी सारी चूड़ियाँ, सारी की सारी चूड़ियाँ हैं, और ये देख सकते हैं आप मेरे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चूड़ियाँ हैं ये, और ये सारा कुछ दिखा चुकी हैं। अब इसके एग्जैक्टली ऊपर एक और जो है वो कैबिन इसका कबर्ड टाइप बना हुआ है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें भी काफ़ी कुछ रखा जा सकता है। तो सबसे टॉप पे मैंने रखे हुए अपना क्लेजिंग मिल्क रखा हुआ है जो कि स्वीट टच का है, और ये बहुत अच्छा है क्लेजिंग का, और साथ में रूम स्प्रे एंड डस्ट क्लीनर एंड लेंस का जो है वो लिक्विड वगैरह वो रखा हुआ है। साथ में यहाँ सारे के सारे मेरे परफ्यूम्स रखे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, यूज़ मैं करती हूँ और करने के बाद उसको वापस को बॉक्सेस में ही डाल के ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये सारे हैं, एवॉन का जो ये फार अवे है ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा और मेरा फेवरेट है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और भी रखा हुआ है ये मीका जो है ये जे डॉट का, और फॉग का भी है, ये सारे के सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, ये इम्पीरियल सिटी का है, सारे परफ्यूम्स हो गए। इसके एग्जैक्टली नीचे मेरी फैंसी कंगन और फैंसी ज्वेलरी वगैरह है, फैंसी कड़े ये सारे हैं, और बहुत ही खूबसूरत बहुत हसीन ये सारे के सारे हैं, और किसी न किसी वीडियो में मैं आपको ये सारे भी ज़रूर ओपन करके और वेयर करके दिखाऊंगी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं ये। इसी के नीचे हैं यहाँ पे और कुछ चूड़ियों के सेट्स और कैचर क्लिप्स वगैरह और बैंगल्स वगैरह हैं कुछ, और इसके नीचे रखे हुए हैं बॉडी स्प्रे एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑयल,
कोकोनट ऑयल रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि मेकअप रिमूविंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। साथ में यहाँ पे जो है वो टिशू रोल है, वैसलीन है, विटामिन ई ऑयल है, कॉटन पैड्स हैं, और ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये सारी बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एंड ये सारा कुछ है मेरी वैनिटी के अंदर। आई होप कि आपको मेरा वैनिटी टूर अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं, या फिर मैं अपना रूम टूर या अपना वार्डरोब टूर या फिर अपनी बैग कलेक्शन, क्लजेस कलेक्शन, अपनी ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।